Hi, this is Ranjit, and I'm going to talk about very profound topic in HR field that is called HR business partner, shaping a new direction for the business. Most of the time, there is a big confusion in HR role, in HR business partner, and sometimes HR functions as well. तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2000 सेंचुरी के अंदर जो HR तमाम काम कर परफॉर्म करता था वो ऑपरेशनल माइंडसेट पर्सनल मैनेजमेंट होता था. देन दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द बिजनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो उसने अपना थोड़ा सा रोल चेंज करके अपने आप को स्ट्रेटेजिक HR कहना शुरू कर दिया. स्ट्रेटेजिक जब भी वर्ड ऐड होगा तो HR का रोल तमाम बिजनेस जितने भी बिजनेस हैं जिसको हम कहते हैं इनेबलर्स और सपोर्ट फंक्शंस उनके साथ मिलके काम करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट इनेबलर्स इट मींस वो सपोर्ट फंक्शंस हैं लाइक IT, फाइनेंस और उसके बाद आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और इनेबलर्स एंड सपोर्ट फंक्शन के बाद एक और डिपार्टमेंट है जिसके लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स. वो दो ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक सेल्स होता है और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है. प्रोडक्शन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इट मींस द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. और सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आपस में अलाइंड होते हैं बिकॉज सेल्स जो चीज बेच रहा होता है मार्केट में और जो फोरकास्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करता है. अब इसमें HR का रोल क्या होता है? बिकॉज प्रोडक्शन करते वक्त, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आप टाइम एंड रिसोर्स का बड़ा ख्याल करते हैं. टाइम मींस नंबर ऑफ आवर्स, कितनी मशीन रन होगी उसके लिए लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे. जब आपको लोग रिक्वायर्ड होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर चलता है कि हमें वेजेस पे कितने लोगों को हायर करना है, परमानेंट रोल पे कितने लोगों को हायर करना है जिसको हम कहते हैं FTEs, फुल टाइम एम्प्लॉईज. फिर इसके अंदर एक रोल जनरेट होता है कि हमें टेन्योर के लिए लोगों को हायर करना है, मींस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट. डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स पे कि वो कितना स्टॉक मार्केट में बेचेंगे, कितने नंबर सेल आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सीजन चेंज हुई है और उसी हिसाब से प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ लोग बढ़ाने हैं या उनको रिड्यूस करने हैं, वो तमाम चीजों को अलाइन करने में HR का बहुत बड़ा रोल होता है. तो जब स्ट्रेटेजिक से थोड़ा सा हटके HR ने थोड़ा इवॉल्व किया कि यार हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तो HR ने बायफर्केट किया अपने HR की पर्सनल मैनेजमेंट को, एडमिन मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजी को. वो सिर्फ किताबों की पढ़ी हुई बातें और SOPs को फॉलो नहीं कराते थे बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस के साथ बैठना स्टार्ट हो गए. तो उन्होंने 3 हिस्सों में HRBP को ब्रेक किया. अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहे हैं तो एक HRBP था जो फैक्ट्री में बैठता था, मींस कंप्लीटली प्लांट ऑपरेशंस और फैक्ट्री ऑपरेशंस को रन करता था या रन कर रहा है. उसके बाद एक और HRBP उन्होंने डिजाइन किया, दैट इज कमर्शियल HRBP, जो सेल्स को या सेल्स मैनेजमेंट को, कमर्शियल को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. और तीसरा HRBP डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनेबलर एंड सपोर्ट फंक्शंस. अब उनके ऊपर एक लीड बिठाया गया जो बेसिकली जर्नलिस्ट का रोल परफॉर्म करते हैं. व्हेन आई स्पीक अबाउट जर्नलिस्ट रोल तो 2 रोल्स की मैं यहां पर बात करूंगा. एक होता है स्पेशलिस्ट रोल, एक होता है जर्नलिस्ट रोल. जर्नलिस्ट रोल का मतलब यह है कि HR का ऐसा पार्टिसिपेंट या ऐसा कैंडिडेट जिसके पास टोटल रिवॉर्ड्स की नॉलेज हो, रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन की नॉलेज हो, जिसके पास टैलेंट मैनेजमेंट की नॉलेज हो, L&D की नॉलेज हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की नॉलेज हो, और इन तमाम नॉलेज को उसने कहीं ना कहीं एक्सरसाइज किया हो, इंप्लीमेंट किया हो, और एटलीस्ट 2 या 3 फंक्शंस पे उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो. तो HR बिजनेस पार्टनर आफ्टर स्ट्रेटेजिक बिकम्स अ जर्नलिस्ट रोल. इसको मल्टीपल रोल्स HR के पता है. नाउ ही हैज टू लर्न बिजनेस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस की तमाम डीलिंग को अंडरस्टैंड करके उन बिजनेस की लैंग्वेज को HR के लिंगो में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल भाई, हमारी इस साल 20 लाख रुपए की प्रोडक्शन होगी, हमें 1 करोड़ रुपए का माल बेचना है. दिस इज प्योर बिजनेस लैंग्वेज. इस प्योर लैंग्वेज को HR टर्मिनोलॉजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि बिजनेस से उठ के HRBP अब वापस आएगा
एचआर के पास जो एचआर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले भाई, अगर हमारी पहले सेल्स होती थी 50 लाख रुपए की, अब 1 करोड़ रुपए की हम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी, फुल टाइम एम्प्लॉयज कितने चाहिए, वेजेस वाले कितने चाहिए, पर डे एम्प्लॉयज हमारे पास कितने होने चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए, फिर उनका कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स कैसे होगा। अगर फैक्ट्री नंबर ऑफ आवर्स पहले 18 घंटे चलती थी, अब 24 घंटे चलेगी, तो हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है उनको क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर करने पड़ेंगे, ये तमाम चीजें बिजनेस की लैंग्वेज को एचआर की टर्मिनोलॉजी में जो कन्वर्ट करने वाला रिसोर्स है वो बेसिकली बिजनेस पार्टनर है। सो आने वाले वक्तों में आप जब देखेंगे, डेव उलरिच की बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं डेव उलरिच मैट्रिक्स, हम इस कोर्स में बात भी करेंगे। तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि अभी लोग जो एचआर बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, एचआर के लोग हैं, वो एचआर पढ़ के, एचआर सीख के बिजनेस को रन करना चाहते हैं। आने वाले वक्तों में क्या होगा कि बिजनेस के लोग ही एचआर में बैठेंगे, मींस सेल्स मैनेजमेंट में जिसने मास्टर किया होगा, सेल्स मैनेजमेंट को जो समझता होगा वो एचआर में बैठेगा, क्योंकि बिजनेस इज अ ड्राइवर, बिजनेस इज अ ड्राइवर ऑफ अदर डिपार्टमेंट, सो बिजनेस इज ऑन ड्राइविंग सीट। अभी क्या होता है कि एचआर का ग्रेजुएट या एचआर का एक्सपीरियंस बंदा बिजनेस में जाकर बैठता है, जस्ट जो हम समझते हैं अभी गैप है। सो इट विल टेक टाइम एंड फर्दर हम बात करेंगे शेपिंग अ न्यू डायरेक्शन बिजनेस का कैसे डेवलप होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट वेरी फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द एचआर बिजनेस पार्टनरिंग। द फर्स्ट वन, यू डू नॉट नीड टू नेविगेट अ कंपनी टू प्री डिफाइंड डेस्टिनेशन, यू टेक स्टेप्स वन एट अ टाइम इनटू अननोएबल फ्यूचर। There are not paths, no roads ahead of us. In the final analysis, it is the walking that beats the path. It is not the path that makes the walk. In a nutshell, हम अगर बात करें कि HRBP जो है basically company की navigation को design करता है कि आने वाले वक्तों में business किस direction में जा रहा है, business की direction क्या होगी in terms of numbers, in terms of strategy, in terms of strategy into action. Sales, production, supply chain, IT, finance, सब लोग strategy को बनाएंगे और HR उन पांचों strategy की alignment को review करेगा और review के basis पे उस company की किस्मत को लिखेगा या फिर उसकी किस्मत को बदलने में बड़ी help करेगा. So basically HR business partner will be doing an analysis of all the strategies combined together जो आपकी मोस्टली टॉप टू बॉटम होती है। सो नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी पावरफुल रोल ऑफ एचआर बिजनेस पार्टनर। एचआर रोल सीम टू बी दैट ऑफ बिजनेस पार्टनर फॉर दिस रीजन एंड बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पीपल इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेसिफिक चैलेंज ऑफ इंप्लीमेंटिंग चेंज। हिस्ट्री ऑफ द रोल ऑफ बिजनेस पार्टनर एंड ड्राइवर्स फॉर द चेंजिंग रोल ऑफ एचआर। जो ड्राइवर्स ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ एचआर की हम बात कर रहे थे वो बेसिकली conversion from technical, conversion from operational to strategic, strategic to become a journalist role of HR, और मजीद हम business drivers की बात करेंगे जो HR के साथ linked होते हैं। Business partner in a broad terms in how this differs from role of both internal and external consultant. So let's talk about what do the terms business partner imply. Business implies a level of strategic intervention which goes beyond the individual level. This differentiates in a historic role of HR is being just about people and going and working at an operational level. It also implies that those in the role will have a good understanding of nature of the business and therefore be in a good position to advise others in the respect. Business also conjures up level at professionalism and credibility, a matter of factness, which sets apart people in this role from the more traditional and operational roles as well. The role of business partner includes having a good understanding of strategy. Agar hame HRBP ke role ko samajhna hai, to HRBP ko strategy ke baare mein samajhna hoga ke strategy kaise banti hai. So top to bottom approach होती है, उस top के अंदर वो business functions जो mandatory हैं किसी business को run करने के लिए। When we talk about mandatory business drivers, the sales and commercial comes first. Commercial के अंदर एक और part है जिसको हम कहते हैं supply chain management and logistics।
इन 21st सेंचुरी, इन दोनों को रन करने के लिए, दोनों को फास्ट पेस में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं रूट टू मार्केट। पहले हम मैनुअली सेल्स एंड सप्लाई चेन को रन करते थे, बट 21st सेंचुरी हैज टॉट अस वी नीड टू हैव अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन आवर सिस्टम्स। पहले हम पेपर पे सेल्स नंबर लिखते थे, नाउ देयर इज एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एप्पल फोन, जिसमें हम ऑर्डर बुकिंग करते हैं, सेल्स के नंबर को मेजर करते हैं। जब हम डिलीवरीज भी करते हैं, आज वो पेपर पे नहीं होती, डिलीवरीज भी आपके मोबाइल के थ्रू होती हैं। और एवरी सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म इंटू क्लाउड बेस्ड सिस्टम। अब वो सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स या यूएसबी नहीं होते, क्लाउड बेस्ड सिस्टम में आपकी पूरी टेक्नोलॉजी रन हो रही होती है। आने वाले वक्तों में मशीन लर्निंग एंड एआई लर्निंग विल डिसाइड हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट फर्दर मोर। सो अभी ये इट्स नॉट अ न्यू, जस्ट जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड, जैसे ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, सो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होगी। तो रोल ऑफ बिजनेस पार्टनर ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करके मशीन के इंटरवेंशन से कैसे उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करता है, इट विल बी अ ग्रेट ऑप्शन एज वेल। द रोल ऑफ बिजनेस पार्टनर इज टू टर्न स्ट्रेटेजी इन टू एक्शन टू मेक इट हैपन इन रियलिटी। When we talk about the business partner strategy into action means the alignment between commercial sales, production, supply chain management. अगर आपके पास e-commerce का department है, उसकी alignment, और then information technology की alignment, तो आप कहेंगे digital transformation और IT में क्या फर्क है? IT is basically a back-end services. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज आउटकम एंड आउटपुट ऑफ आईटी, जो बैकएंड पे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूशन होती है और एग्जीक्यूशन से जो आउटकम जनरेट होता है, दैट इज द बिग रोल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। एंड उसके बाद एचआर का क्या रोल रहेगा? नाउ एचआर हैज टू बी अ टेक्नोलॉजी सेवी, एचआर हैज टू बी द डिजिटल सेवी, एचआर हैज टू बी अ डेटा सेवी। अगर वो टेक्नोलॉजी डेटा डिजिटल सेवी नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूं कि जो जो बिजनेस पार्टनरिंग रोल है, स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, वो वैसे ही रह जाएगा जैसे किताबों में आजकल है। बट बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक पीएनजी, यूनिलीवर, शेल, एंड इसी तरह से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव रियलाइज्ड द डेटा विल बी द नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट वॉर बिटवीन द कंपनीज, कॉर्पोरेट्स एंड द वर्ल्ड एज वेल। पहले होता था जिसके पास जितनी नॉलेज है वो किंग होगा, इससे पहले चले जाएं जिसके पास जितनी लैंड होगी, जितने एसेट्स होंगे वो किंग होगा। बट 21st सेंचुरी हैज प्रूव, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा बैंक होगा, दे विल विन द वॉर, बिकॉज द डेटा इज अ मस्ट विन बैटल फॉर ऑल द कंट्री एंड द यूनिवर्स एज वेल। सो पार्टनर, व्हाट इज ए व्हाट दिस लिटिल कंजर्स up is something very different. Partnership employs working alongside equal responsibility and shared skills and expertise in supporting clients within the business rather than coming from an expert perspective. Two together and you get an idea of role of the business partner, someone who maintains a strong connections with employees and operational side of the business while focusing on strategic goals and influencing through others. A little of the history of the HR. थोड़ी सी HR की थोड़ी history पे बात करते हैं, वो क्या है? So table is a self-explanatory. The table 1.1 HR roles compared transactional versus strategic. Transactional और strategic role के अंदर क्या difference है? आइए बात करते हैं. The first one, role of HR professional, transactional approach, strategic approach. इन दो approach पे हम बात करेंगे. नंबर वन, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, स्ट्रेटेजिक के अंदर क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इन ट्रांजेक्शनल रोल, एचआर मोर फोकस्ड ऑन रिक्रूटिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, ड्राफ्ट देयर पे स्ट्रक्चर्स, रिवॉर्ड्स, वर्किंग रिलेशन, एंड विच इज वेरी माइक्रो रोल ऑफ द एचआर। अगर एचआर इन कामों को परफॉर्म कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज अ ट्रांजेक्शनल अप्रोच। When we talk about strategic approach, strategic and a culture of the organization and policy. So HR जो है वो culture पे काम करता है, culture on a whole basis. मतलब उसपे trainings भी हो गई आपकी, engagements भी हो गई, और so many other activities actually.
तो वो बेसिकली काम करता है कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में, और इस तरह की पॉलिसीज बनाता है, एसओपीज बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाता है. मींस दे थिंक मैक्रो. व्हेन एचआर स्टार्ट थिंकिंग मैक्रो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द एचआर. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ द एचआर प्रोफेशनल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट. ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट कैसे एचआर को परसीव करता है, मींस एम्प्लॉइज. In this case, transactional approach will be the employees. In a strategic approach, managers and organization as a whole rather strong. Managers and organization जो organization के हैं वो कैसे perceive करते हैं, उनके लिए organization क्या कर रही होती है, that is called what strategic approach. And third point, status in the organization, educational requirements. ट्रांजेक्शनल अप्रोच में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत वीक होती हैं, और जब स्ट्रेटेजिक अप्रोच की बात करते हैं वहां पर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं. इन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगर ट्रांजेक्शनल अप्रोच की हम बात करें तो अगर आप एचआर में काम करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी स्पेशलिस्ट इन एचआर मैनेजमेंट. आपने जो कोर्सेज किए हों वो आपने एचआर के अंदर किए हों. But when you talk about strategic approach, general HR education with a management experience or general manager with HR experience will highly be appreciated. Because just working in HR management or you've got a degree in HR management is a transactional approach of the organization. Time range for activities, which is very short range. Time range for activities in a strategic approach, medium to long-term range. Business based on transactions, business based on change and transformation as well. The research has taken from M. Green Public Personnel Management Spring. Traditionally, the role of HR has included a fair percentage of administrative work, which in many organizations has now been outsourced, substituted for advanced IT program, or in some way reorganized within overall structure of the HR. The purpose of these moves has been to create a more responsive client-centered services, which is proactive in its approach to developing the business as well. So hope you must have a basic understanding of the HR business partnering role. We have so many other chapters where we will talk about the best practices of HR BP. So stay tuned for more learning about HR BP role as well. Thank you.